in, sir. Come in. Sit down. Thank you, sir. Give me your resume. Yes. एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो अच्छी है, बट इसके अलावा आपको क्या आता है? इसके अलावा मैं सर, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक डीलिंग, रिसेप्शन पर कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। ये मेरा फर्स्ट जॉब है तो मुझे अभी इस सब में कंप्यूटर में सर आता है। कंप्यूटर में क्या आता है आपको? कंप्यूटर में सर एक्सेल आता है। यस सर। एक्सेल कितने प्रकार का होता है? एक्सेल पे कैलकुलेशन कर लेंगे आप? एक्सेल कितने प्रकार का होता है क्या? बस इतने बेस पे ही आप इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे? जाइए मैम, अभी आपको पढ़ाई के अलावा इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब बहुत जानने की जरूरत है। पढ़ाई ये सब काम नहीं आती, एक्स्ट्रा टैलेंट, आपके अंदर क्या प्रतिभा है वो भी काम आता है। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकती हैं। हेलो गाइस, तो आपने देखा कि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है। आजकल लोग आपकी 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, ये सब नहीं देखते हैं। देखते हैं आपके अंदर क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों को इम्प्रेस कर सकें। और मेरा आज के पेरेंट्स से यही कहना है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो उनको अच्छा लगता है, जिस चीज़ में उनका दिल लगता है, जिस चीज़ को करने से उनको सुकून मिलता है, उनका मन प्रसन्न रहता है, खुश रहते हैं, ऐसे काम उनको सिखाएं, ऐसी टैलेंट उनके अंदर डेवलप करें। और अपने बच्चों की किसी से तुलना मत करें कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। कंपैरिजन मत कीजिए, अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कहना चाहेंगे सर, ने तो पूरा बात कह ही दिया है। और हमारा अगर वीडियो जो हमने मतलब आज के युवाओं के ऊपर सोच के बनाया है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अक्सर ऐसे ही होता है तो ये किसी के मतलब ये नेगेटिव ही मत लेना, इसको पॉजिटिव ही लेना। और जो पेरेंट्स एक दूसरे मतलब बच्चों को देख के तुलना करते हैं अपने बच्चों की, वो प्लीज मत कीजिएगा, वो करना छोड़ दीजिए। इससे बच्चों को बहुत इफेक्ट पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। तो यही मैसेज हम लोग देना चाहेंगे। आज एग्जाम का दौर भी चल रहा है, अभी मतलब मार्च का महीना है तो एग्जाम भी चल रहा है, तो जैसे भी बच्चे मार्क्स लाते हैं उस खुशी उसे एक्सेप्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।